हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। ये है चैप्टर 4। एंड बिफोर वी प्रोसीड, मैं आप सबको चाहता हूं थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करना कि अगर आप चैप्टर 4 तक पहुंच गए हो, क्योंकि ग्रेजुअली हम देखते हैं, हम इनिशिएटिव शुरू करते हैं लेकिन बच्चों की जनसंख्या घटती जाती है, व्यूज की जनसंख्या। अगर आप चैप्टर 4 शुरू कर रहे हो, दैट मीन्स सीरियसनेस लेवल हाई है, दैट मीन्स एग्जाम क्रैक करने के प्रति थोड़ी सी जो अपनी निष्ठा है, जो अपना जो डिटर्मिनेशन है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड सेकेंडली, जो हमारा ये अभी चल रहा है, एक विमेंस डे वाला वीक चल रहा है, उसमें हमने 20% ऑफ का एक कोड लगाया हुआ है। हर एक जगह पे हम सोशियोलॉजी खुद पढ़ाते हैं, हमारे सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो इंप्लीमेंट भी करें। स्लीपी क्लासेस भी हमने अकॉर्डिंगली शुरू किया था, ताकि हम जो टेक्नोलॉजी की मदद लेकर हम एक एक इंसान तक पहुंच सके। हमारी भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है, हर एक चीज ये काम कर रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से चीजों को और सस्ता कर सकते हैं। जो आप हम ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, जैसे आप हमारा जो कोर्सेज ज्वाइन करते हो, लेट्स से क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज दोनों मिला के ज्वाइन करते हो, तो आपको 8,000 रुपए पड़ता है वो, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, लेट्स से आप सिर्फ, और हम जैसे सोच रहे हैं बैंगलोर से, लेट्स से अगर आप आते हैं दिल्ली पढ़ने, कहीं से भी आते हैं, सिर्फ आने जाने के जो फ्लाइट का खर्चा ही 14-15 हज़ार है, तो उसकी आधी कीमत में तो आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी ये कर पा रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से 8-8 हज़ार में आप पूरा कोर्स कर पा रहे हो और टेस्ट भी दे पा रहे हो, अच्छा अटेम्प्ट दे पा रहे हो घर बैठ के। तो ठीक है, और भी आगे टेक्नोलॉजी की मदद से हम काम करेंगे। अभी बहुत ही जल्द आप सबके लिए बहुत ही एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे हम, जिससे आपकी जो ईज ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी और इंक्रीज हो जाएगी। चलो अब, और इसीलिए मैं तो कहूंगा कि टेस्ट देते रहो, क्रैश कोर्स अगर जो लगा रहे हो तो उसको ढंग से और बार बार रिपीट करो। वहां पे जो पीडीएफ अटैच करते हैं सर, तो वो पीडीएफ को मार्क करो साथ में, और उस पे जो चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, दैट इज द ओनली वे आउट। कि ना, हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा पहली बात, दूसरा उसको जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखिए हमेशा और आगे बढ़ते रहिए। तो अब चैप्टर 4 शुरू करते हैं, और चैप्टर 4 में हमारी जो बात करेंगे, ये बात है हमारी आज इस बारी फिस्कल फेडरलिज्म की। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, और एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको ब्रॉडर एक यहां पे एक जेस्ट समझाता हूं चैप्टर का। ये कहानी चाहते क्या कहना, ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने, जैसे हमारे जो देश में 3 टीयर पर सरकार एग्जिस्ट करती है, एक सेंटर, उसके नीचे स्टेट का टीयर है, उसके नीचे जो हमारी लोकल गवर्नेंस है, अर्बन लोकल गवर्नेंस, या फिर जो रूरल, जैसे पंचायत वगैरह हो गई या म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है। तो ये 3 लेवल का हमारा 3 टीयर गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। तो अब यहां पर जो 3 टीयर जो गवर्नमेंट है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितना हमारा ये फेडरल स्ट्रक्चर है, कितनी पावर्स यहां डिवॉल्व्ड हैं, आगे दी हुई है, कितनी यहां दी हुई है, एंड कौन से एस्पेक्ट में, फाइनेंस के, फिस्कल के एस्पेक्ट में, कि स्टेट के पास कितनी पावर है अपने रिसोर्सेज खुद इकट्ठे करने की, लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कितनी पावर है खुद के रिसोर्सेज खुद इकट्ठे करने की, क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर वो चाहते ही नहीं करना, ये सब बातों को डिस्कस करेगा ये वाला हमारा चैप्टर, कि वो कितना करना चाहते हैं या कितना वो नहीं कर पा रहे या कितना चाहते ही नहीं करना, ठीक है। ओके, तो यहां पर ही थोड़ा सा एनालिसिस वाला पेपर जो है, छोटी-छोटी बातें आएंगी जो आपको प्री में पूछी जा सकती हैं, एंड मेंस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जो GS2 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन अभी प्रीलिम्स काफी नजदीक है, तो हम थोड़ा सा किस पे फोकस करेंगे अभी, थोड़ा प्री स्पेसिफिक, एंड लेकिन आपको मैं ब्रॉडर एजेंडा समझाता ही रहूंगा यहां पर कि चैप्टर में चल क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहली बात जो इस पैराग्राफ में ये चाहता है करके है ना, वो यही कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट क्या बिल्ड करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, जितना डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है उतना सिटीजन ज्यादा इन्वॉल्व होता है सरकार के साथ। वो कह रहे हैं कि देखो कि इनडायरेक्ट टैक्स देकर भी इंसान अपना स्टेक है जो इंक्रीज कर रहा है गवर्नमेंट में, लेकिन इसका मानना क्या है, इको सर्वे वगैरह सभी जो वेरियस जो थिंकर्स को कोट करते हैं, जैसे तो ये कहता है कि जितना इंसान डायरेक्ट टैक्स पे करता है उतना इंसान की जो स्टेक, जो सरकार में जो रुचि बढ़ती है, क्योंकि उसको लगता है उसकी जेब से पैसा गया, और जो वो डिस्पोजेबल इनकम थी जिसको वो एंजॉय करता, उसमें से कुछ डायरेक्टली सरकार निकाल के ले गई, तो इसीलिए उसका स्टेक बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितना डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा उतना ही हमारा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंक्रीज होगा, ये वाला अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, सरकार को हम अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब इसीलिए कि बहुत ही अच्छा डायलॉग कहते हैं, जैसे शुरुआत हुई थी, जैसे आपने सुना होगा ना अमेरिकन रेवोल्यूशन में, जहां पर वो बोलते हैं कि
कि नो जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या आपने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो बोलते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये बोला था उन्होंने कि अगर आप हमें अमेरिकन पीपल को अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट ही नहीं करते तो हम पे टैक्स लेना भी बंद करो, है ना। तो अब इसको इको सर्वे ने थोड़ा सा पलट दिया, बहुत ही अच्छा डायलॉग बनाया ये वाला डायलॉग। यहाँ देखिए, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, वो कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स ही नहीं पे करते तो सरकार को भी अकाउंटेबल ठहराना बंद कर दोगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आगे इस इको सर्वे में भी आएगा। लेट्स से आप सरकार के अस्पताल यूज ही नहीं करते, आप सरकार के स्कूल्स यूज ही नहीं करते, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार के टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। अगर आप मिडिल इनकम हो या फिर हायर इनकम हो, आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो, आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना बंद कर दोगे। तो ये इसलिए डायलॉग बहुत अच्छा है, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, कि आप रिप्रेजेंटेटिव बनते ही नहीं, आप सरकार को अकाउंटेबल ठहराते ही नहीं, आप बस एक जनरली एक सिटीजन हो, एग्जिस्ट करते हो विदाउट होल्डिंग एनी गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, अब यहां पर ये वाला पैराग्राफ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें ही क्या बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि एड एंड नेचुरल रिसोर्स कर्स, इसके नाम से इसने इसको बोला एड एंड नेचुरल रिसोर्स कर्स। क्यों? क्यों कहते हैं कि जैसे जितना बाहर से पैसा आएगा, एड मिलेगी हमें, या जितना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा कमाएगी सरकार, उतना ही वो जनता से पैसा कम लेगी, है ना, डायरेक्ट टैक्सेस कम लेगी। उसको उसने क्या बना दिया, सर मैंने कर्स, कि ये एक ही अभिशाप है, इट्स अ शाप, कि शाप कैसे है कि उसके बाद लोग सरकार को अकाउंटेबल ठहराना बंद कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं जितने डिपेंडेंसी एड है नेचुरल रिसोर्स से बढ़ेगी, उतना सरकारें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, और उतने ही आपके जो इकोनॉमिक एंड अदर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इज स्टंटेड, का मतलब उतनी रुक जाएगी, आपके इंस्टीट्यूशंस उतना बेटर डेवलप नहीं हो पाएंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो अकाउंटेबल ठहराते हैं सरकार को, अपना भी पैसा ठीक से यूज किया कि नहीं किया, तो कहते उसी अकॉर्डिंगली वो रुक जाएगा। तो अब यहां पर जो ग्राफ है, ये ग्राफ को एक बार बस थोड़ा समझ चाहता हूं आपको ऊपर समझाना, कि यहां पे बोलते हैं जैसे जैसे डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े, कि डायरेक्ट टैक्सेस पहले ग्राफ में दिखाता है डेवलपमेंट टाइम के हिसाब से, डेवलपमेंट टाइम मतलब जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ी, रियल कैपिटा पर जीडीपी, वो कहते हैं जैसे 5,000 थी डॉलर पहले, 10,000 हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते आगे जाएगी, तो कैसे कैसे डायरेक्ट टैक्स में रेशो बढ़ती है। इंडिया का देखिए, इंडिया थोड़ा सा ऐसा था, पहले डिप आया, फिर बढ़ा, बढ़ रहा है अभी, ठीक है। जैसे जैसे हमारी कहते पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा डायरेक्ट टैक्स की रेशो भी बढ़ेगी। एक बार हाई था, फिर नीचे चला गया, ऊपर जा रहा है अब, ठीक है, ओके। तो ये तो डेवलपमेंट टाइम के हिसाब से है। एंड दूसरा यहां पर कौन सा है, ये है सिंपल क्रोनोलॉजिकल, वक्त के हिसाब से देखें, वक्त के हिसाब से इंडिया का थोड़ा सा नीचे आया था, वापस ऊपर गया, नीचे आ गया। तो क्रोनोलॉजिकल टाइम में भी देखें तो इंडिया का कोई खास ग्रोथ नहीं है, बाकी कंट्रीज का दिखता है कि काफी ऊपर ही रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का ये काफी ऊपर ही रहा है, अमेरिका काफी ऊपर है। अब यहां पर वही बात है जो आपको मैंने पहले बताई थी, ये बोल रहे हैं कि जितना सिटीजन का स्टेक बढ़ता है, जो जितना सिटीजन ज्यादा हर्ट फील करेगा टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि जेब से जब सीधा, लेट्स से आप नमक खरीदने गए, नमक था 10 रुपए का, उस पर आपको लेट्स से 1 रुपया टैक्स पड़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स 11 रुपए का, आपको इतना फीलिंग नहीं आती 11 रुपए, ठीक है। तो आपको, लेकिन जब आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए थी, उसमें से 30,000 रुपए सरकार को आपने दे दिए, टैक्स पे कर दिया, 70,000 रह गई, तो सडनली यू फील कि यार मेरे जेब से पैसे गए हैं। तो वही बोल रहा, जितना कहता है हर्ट करेगा सिटीजन को टैक्स पे करना, डायरेक्ट टैक्स को जिसको वो बोलता है, उतना ही सरकार को वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, और डायरेक्ट टैक्स वैसे भी हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर। जितनी ज्यादा इनकम है ना, उतने हिसाब से ज्यादा आप टैक्स लगा सकते हो, कि 1,00,000 वालों पर आप लेट से 20% टैक्स लो, जिनकी इनकम 5,00,000 है उनसे 30% टैक्स ले लो, तो जिसके पास इतनी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है उससे ज्यादा टैक्स ले लो। तो डायरेक्ट टैक्स भी पॉसिबल है, इनडायरेक्ट भी पॉसिबल नहीं है ना, कि नमक की थैली है 10 रुपए की है, 11 की आपको मिलेगी टैक्स लगाकर, गरीब खरीद रहा है, अमीर खरीद रहा है, डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को जनरली हम नहीं कर पाते, प्रोग्रेसिव नहीं बना पाते, मुश्किल हो जाता है। जीएसटी में अटेम्प्ट किया गया है, जीएसटी में इट हैज बीन अटेम्प्टेड कि उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाए, लेकिन स्टिल अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि कौन कंज्यूम कर रहा है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल। तो चलो इसको आगे प्रोसीड करते हैं यहां पे चैप्टर को। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर 4.7 में एक इम्पॉर्टेंट जहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन है, अच्छा उसके पहले ये देखो मैडिसन प्रोजेक्ट, मैडिसन प्रोजेक्ट क्या है इसको जाके एक बार गूगल कीजिएगा। एक एंगस मैडिसन करके इकोनॉमिस्ट थे न्यूजीलैंड में, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि हिस्टोरिकल सारा इकोनॉमिक डेटा निकाल रहे थे वो। हिस्टोरिकल का मतलब क्या हुआ, कहते इमेजिन करो इंडिया की जीडीपी कितनी थी 1500 AD में,
इंडिया की जीडीपी कितनी थी 500 एडी में, उसके हिसाब से रिसर्च चल रही थी, बट ही डाइड। अब उनके प्रोजेक्ट को आगे चलाया जा रहा है, हिस्टोरिकल डेटा निकालने की ट्राई कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है पूरी, जिसमें कि यूएसए की जीडीपी निकालनी हो आपने 1250 में कितनी थी, तो अकॉर्डिंगली वो सारा जो रिसर्च करके हिस्ट्री देख के सब कुछ देख के वो ट्राई कर रहे हैं कि सारा का सारा हिस्टोरिकल डेटा निकाला जाए। उसका नाम क्या रखा गया है, मेडिसन प्रोजेक्ट। यूपीएससी ऐसे बहुत बातें पूछता है आपसे जो छोटी छोटी कहीं मेंशन होती हैं, आपको पता ही नहीं मेडिसन प्रोजेक्ट क्या है, कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ तो नहीं कहीं, है ना, हर चीज आजकल क्लाइमेट चेंज से जुड़ी होती है। तो अकॉर्डिंगली ऐसी चीजों पर नजर रखना, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आप क्या रहो, इंक्यूसिटिव रहो, जितने वर्ड्स आते जा रहे हैं उनको गूगल करना, टाइम बढ़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को एंश्योर कर रहे हो कि पेपर में जाके यू विल बी नोइंग अ लॉट मोर देन अदर्स, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अब जो 4.7 में हमारा जो आर्ग्यूमेंट क्या है कि एडवांस्ड कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पर हायर प्रोपोर्शन है किसकी, डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा पे किए जाते हैं, कहते हैं जैसे यूरोप ने 1970s में वैट को इजाद किया, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन कहते हैं उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस हैं यूरोप में, 70% के आसपास टोटल टैक्सेस डायरेक्ट हैं। इंडिया में ये फिगर बहुत ही नीचे है, ठीक है, 70% तो जब इंडिया पहुंचेगा तो बहुत ही अच्छा हो रहेगा, अभी इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज वेरी लो। कितनी है मुझे कमेंट्स में बताना आपने, ठीक है, हमने पहले अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ डायरेक्ट टैक्सेस कितनी होती है, आप मुझे नीचे बताओगे कमेंट्स में, ओके। तो अब इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन में अब जो सब फेडरल लेवल, सब फेडरल मतलब और नीचे जाएं, लोकल लेवल गवर्नेंस पे जाके देखें, तो लोकल लेवल गवर्नेंस पे अभी भी हमारा यहाँ पे जो बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट क्या यहाँ पे चाहता प्रेजेंट करना है कि पहले की व्हाट इज द शेयर ऑफ ओन रेवेन्यूज, कि जो नीचे वाली जो हमारी जो सरकारें हैं लोकल लेवल या स्टेट लेवल, जो सेंटर से नीचे आ गई, तो उसमें 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 कितना वो अपना रिसोर्सेज खुद जनरेट कर पाते हैं, या फिर वो सेंटर से ही, या फिर ऊपर वाली लेवल से पैसा मांगते हैं, डिवॉल्व रिसोर्सेज पे मांगते हैं, एंड कहते हैं कि जिससे जितना पैसा खुद जनरेट कर पाते हैं ओन रेवेन्यू, उसमें से कितना डायरेक्ट टैक्सेस है। क्योंकि देखो इको सर्वे के इस चैप्टर का जो ब्रॉडर एजेंडा क्या है कि ये मानता है कि जितना डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे उतनी सरकारों को रिस्पॉन्सिबल लोग ज्यादा ठहराएंगे, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक चीज़ है, जैसे यूपीएससी टाइप जो क्वेश्चन जिसमें हमेशा डिबेट होती है, बाद में आके लोग लड़ते झगड़ते हैं, वो यही है कि फाइनेंस कमीशन वाला, कि कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन को हम डिवॉल्व्ड मान सकते हैं, कि जो आपको फाइनेंस कमीशन देता है कि पंजाब को इतना पैसा मिलना चाहिए, हरियाणा को इतना, एंड हिमाचल को इतना, तमिलनाडु को इतना, तो क्या वो डिवॉल्व्ड होता है या फिर वो शेयरिंग हो रही है, कि टोटल पैसा जो सिर्फ सेंटर ने, मान लो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स सिर्फ सेंटर कलेक्ट करता है, तो लेकिन इनकम तो बहुत सारे स्टेट के लोगों ने भी कमाई है, तो इनकम टैक्स सेंटर क्यों कलेक्ट कर रहे, तो क्या वो सेंटर वापस जो बाद में शेयर कर देगा जो फाइनेंस कमीशन के थ्रू, तो क्या वो शेयर्ड है, मतलब वो था तो वो स्टेट्स का, सिर्फ सेंटर ने कलेक्ट करके वापस कर दिया, या वो स्टेट का था ही नहीं कभी, तो इस पे डिबेट है। तो यहां पे फाइनेंस कमीशन के बारे में कि कहते हैं फाइनेंस कमीशन से जो पैसा आता है उसको हम डिवॉल्व्ड माने या उसको शेयर्ड माने, इस पे डिबेट है। तो कहता है कि देखो इसके हिसाब से कि आप दो आर्ग्यूमेंट कंसीडर करो, पहला कि वो कह रहा है कि जैसे कि जो सेंटर है, सेंटर इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज कलेक्ट करता है, और कहता है ये डिविजिबल पूल का पार्ट बनती है, डिविजिबल पूल मतलब जो एंड में पैसा इकट्ठा हो जाएगा जिसको फाइनेंस कमीशन बांट देगा, और उसके बाद वो कह रहा है कि सेंटर क्या कहते हैं, सेंटर सिर्फ एक कलेक्टिंग एजेंसी है सिर्फ, जो कलेक्ट करेगी और बाद में स्टेट के हिसाब से उनको अपोर्शन कर देगी, टुकड़े बांट देगी, तो इस आर्ग्यूमेंट को वो आगे बिल्ड करता है। तो वो कह रहे हैं इसी पे ही अकॉर्डिंगली जज किया जाना चाहिए कि सेंटर अगर इनकम और कस्टम ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर इसको दिया हुआ ड्यूटी सेंटर को, तो सेंटर का पैसा ही माना जाए उसे, या फिर नहीं कि इसको हम इसको डिवॉल्व्ड इसको हम माने कि नहीं ये तो शेयर्ड है, कि जो सेंटर ने सिर्फ कलेक्ट किया है लेकिन जो बनता तो किसका, स्टेट्स का भी था। एंड फाइनली बोलता है कि कहते चलो जो भी है जैसा भी है, जीएसटी के आने से क्या होगा, अब ये चीजें ज्यादा शेयर्ड नजर आएंगी, अब ऐसा नहीं लगेगा कि हमें सेंटर से स्टेट्स को खैरात मिल रही है, ठीक है, डेवोल्यूशन हो रही है, तो कहता क्या होगा जीएसटी में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, है ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो रही है, डिसीजन मेकिंग स्टेट और सेंटर मिलके करते हैं जीएसटी काउंसिल में, तो कह रहा है ये शायद डिबेट ग्रेजुअली अब और घटती जाएगी जीएसटी के आने से, ठीक है, तो ये डिबेट को ये ओपन ही छोड़ देता है, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी मानना है मान लो, ठीक है, कि शेयर्ड मानना है शेयर्ड मानो, सेंटर जो पैसा दे रहा है डेवोल्यूशन माननी है
रेवोल्यूशन मतलब कि जो हिस्सा सेंटर ने अपना हिस्सा बांट दिया, तो अकॉर्डिंगली आप पर डिपेंड करता है जीएसटी के आने से, कहते हैं शायद ये डिबेट चली जाए। ओके चलो 4.14 पर आओ एक बार। 4.14 में वो सेकंड टीयर पे बात करता है, स्टेट की बात करता है। वो बोल रहे हैं कि स्टेट का देखें तो बहुत ही कम हिस्सा किससे आता है, डायरेक्ट टैक्सेस से। सिर्फ 6% आता है हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस से, जितना स्टेट के पास पैसा है उसमें से सिर्फ 6% डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, और ये बाकी कंपेयर करता रहेगा बार बार ब्राजील जर्मनी से, तो उसके हिसाब से बोलेगा कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, वो तो आधा आधा अप्रॉक्सीमेटली जो 19% 44% तो करेक्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस से, हम सिर्फ 6% करते हैं स्टेट में जाके देखें। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि तीसरे टीयर पर आओ, थर्ड टीयर पे जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है, जिसमें पहले रूरल की बात करेगा, वो रूरल की बात करें तो वो कह रहा है उनके तो अपने रिसोर्सेज ही सिर्फ 6% है, सिर्फ और सिर्फ 6%। जैसे मान लो टोटल 100 रुपए हैं पंचायत के पास खर्च करने के लिए, उसमें से सिर्फ 6 रुपए पंचायत ने खुद कमाए, 94 ऊपर से कहीं से आए हैं या स्टेट ने या सेंटर ने। तो वो कह रहा है यहाँ तो हालात बहुत ही गंभीर है कि अपने पैसे ही नहीं है इनके पास बेचारों के पास। और कहता अगर अर्बन की बात करें और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की, तो इनके पास देखें तो इनकी कहते थोड़ा सा हालात बेटर है, इनके पास डायरेक्ट टैक्स जो है वो अबाउट 18% है, जो जितना पैसा कमाते हैं ये उसका 18% है। आगे जाके बताएगा कितने पैसा कमाते हैं, 44 रुपीज करके खुद का कमाते हैं, लेकिन 18 रुपीज उसमें से अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के हैं। अदरवाइज जो ये शेयर डायरेक्ट टैक्सेस का अगेन देखो कितना कम है, कंपेयर करो बाकी कंट्री से तो कम ही नजर आता है। तो एंड आगे यहां पर अब वो बोलते हैं कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो ये फिस्कली मोर एम्पावर्ड नजर आती हैं देन रूरल लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि कहते हैं शायद ना अपना पैसा थोड़ा सा खुद कमा लेती हैं इस कारण से। देखो अगेन ये चैप्टर ना ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, लेकिन यूपीएससी जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, इतने डेटा ओरिएंटेड सवाल है वो। अगर आपने ये चैप्टर में से अगर ऐसी ऐसी बातें नहीं निकाली जो यहां पे लिखा हुआ है, उनको नोट्स में उतारते रहो, ठीक है। और बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है, अंत में जाके देखो 20 से 25 फैक्ट्स ही हैं, दैट्स इट। 20 से 25 फैक्ट्स में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, एंड यू विल आल्सो सी अ ब्रॉड पैटर्न इमर्जिंग, कि ब्रॉड एक पैटर्न इमर्ज करता है। अब आगे देखो यहां पर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की बात, वो 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया था, जो रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट बनाई थी, एंड 74th ने अर्बन लेवल पे लोकल गवर्नमेंट बनाई थी, है ना। 73rd 74th अमेंडमेंट बोलते हैं, पेपर में सवाल आपको आ सकता है ये कि मैच करो ठीक से। एंड उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर भी किया था कि 29 मैटर्स है जो कि गवर्नेंस जो रूरल लोकल गवर्नमेंट थी जिन पे फोकस करना चाहिए था, उन्हें लिखे हुए यहाँ पे कौन से 29 मैटर्स, जाके आप लक्ष्मीकांत पे देखोगे आपको बहुत ही डिटेल में मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेट्स को कहा गया था कि वो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएंगी, जिस तरह से सेंटर फाइनेंस कमीशन बनाता है, हर बार यूनियन फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, कि किस तरह से सेंटर के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको बांटा जाए स्टेट्स के साथ, इसी तरह स्टेट्स भी हर 5 साल हर पांच साल में स्टेट भी एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगी जो डिसाइड करेगा किस तरह से पंचायत को पैसा डिवॉल्व किया जाए, स्टेट के पास जो पैसा आया उसको किस तरह से आगे लोकल टीयर पर बांट दिया जाए। ओके, तो ये बात भूलना मत। यहां पर अपना दो ये नीचे मैं चाहता हूं आप थोड़ा फोकस करो इस पर, ठीक है। ये है नीचे वाले दो पॉइंट्स लिखे हुए, यही थोड़ा हमारा अटेम्प्ट रहेगा कि हम माइन्यूट डिटेल्स देखें जो लोग मिस कर जाते हैं, आप ना करो। ये वाला कि कहां पर ये एक्ट अमेंड नहीं, जो अमेंडमेंट्स हुई थी ना एप्लीकेबल नहीं थी, नागालैंड मिजोरम वगैरह में जहां पर रीजनल काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं। जो चैप्टर गिवन है लोकल गवर्नेंस का अपने लक्ष्मीकांत में, चैप्टर 32 है शायद, तो जाके प्लीज एक बार उसको रीड करो और उसको देखो और ध्यान से, हर बार प्री में यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। ओके नेक्स्ट आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर आओ 4.23 में, तो 4.23 में अगर बात करें कि किस तरह से पैसा कैसे डिवॉल्व हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर सेंटर और स्टेट की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है कंपेयर टू रूरल लोकल गवर्नमेंट, कि कितना, वो 15 से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करती है। और उसके बाद अगर मतलब जो भी दिखाया है यहाँ पर, ये आपको एजेंडा आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं स्पेंड करने के लिए कंपेयर टू सेंटर एंड स्टेट्स, बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स भी क्या बोल रही हैं कि ये भी इनसे 3 गुना ज़्यादा खर्च करती हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो जितना भी आप पैसा कमा रहे हो डायरेक्ट टैक्सेस से, अगेन वही आर्ग्यूमेंट वापस आ रहा है। तो अब ये बोलते हैं कि
यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अर्बन और रूरल जो गवर्नमेंट्स हैं ये पैसा कमाती कहाँ से है, उसके बारे में यहाँ बात होगी। तो अब यहाँ पर देखो, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपना जितना भी जो पैसा खर्च करना है उसका 44% ये खुद कमाते हैं। ठीक है, 44% मनी दे अर्न ऑन देयर ओन, एंड जबकि हमने पढ़ा था पीछे सिर्फ 6% कमाती है अप्रॉक्सीमेटली रूरल लोकल गवर्नमेंट, हद से हद। ठीक है, 95% के आसपास ये बाहर से ही पैसा इनको लेना पड़ता है, डेवोल्यूशन का पैसा, सेंटर दे रहा है या स्टेट दे रहा है, डेवोल्यूशन वाला पैसा ही जिसको खर्च करते हैं ये। और इसके बाद क्विकली यहां से निकलते हैं, बहुत डेटा दिया हुआ, इतना डेटा के जानने की जरूरत नहीं है। और वो बोल रहा है कि वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स, स्टेट्स में जाके देखा जाए बहुत वेरिएशन भी है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी खर्च करती हैं जो रूरल लोकल गवर्नमेंट पैसा ज्यादा कमा लेती है, कहीं थोड़ा कम है, लेकिन एवरेज देखें तो 5-6% के आसपास ही है जो पैसा ये खुद कमाती है, बाकी सब पैसा ऊपर से ही इनको मंगवाना पड़ता है या ऊपर से इनको मिलता है। तो अकॉर्डिंगली, तो अब यहां पे एक वर्ड आएगा, वो कह रहे हैं कि जो अब प्योरली लोकल पब्लिक गुड्स, देखो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स वो कह रहे हैं जो लोकल पब्लिक गुड्स हैं उस पर प्रायोरिटी नहीं है, वो इनकी जो रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं, जैसे इरिगेशन करना वगैरह, ये इनके जो एजेंडा का पार्ट ही नहीं है, ये हम इनका जो इको सर्वे की रिसर्च बताती है। तो अब पब्लिक गुड क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो पब्लिक गुड का वैसे जनरली जो आप जो मतलब समझते हैं वो तो ये होता है ना, पब्लिक जो जनता के लिए फायदे की चीजें हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, लेकिन इको में, इकोनॉमी में पब्लिक गुड का एक स्पेसिफिक मीनिंग भी है, जिसको क्या बोलते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ क्या, नॉन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सक्लूजन। नॉन एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उस चीज को यूज कर रहा हूं तो आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक पब्लिक गुड है, मान लो पार्क है ना, जो पार्क होता है, अगर मैं पार्क में घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए पार्क बंद हो जाएगा, अब आप पार्क में नहीं घूम सकते, आप भी घूम सकते हो, तो नॉन एक्सक्लूजनरी है। और लेट्स से रोड, अगर मैं रोड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना कि आप यूज़ नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। तो लेकिन अब यहाँ पर ना देखो, थोड़ा सी एक बात चाहता हूँ मैं एक्स्ट्रा बताना, जो पब्लिक गुड्स होते हैं, हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, तो पब्लिक गुड्स होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड होने शुरू हो गए हैं, एक तो है प्योर पब्लिक गुड और एक है जनरल पब्लिक गुड। लेट्स से आप बात कर रहे हैं पार्क की, पार्क में अगर एक बंदा टहल रहा है तो बाकियों के लिए कोई टेंशन नहीं है, है ना, जगह अभी भी अवेलेबल है, लेकिन लेट्स से अगर 1,000 बंदे टहल रहे हैं, 10,000 मान लो, अब 10,000 टहल रहे हैं, अब थोड़ा बाकी 10,000 एकवां बंदा जो होगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए जगह अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये पब्लिक गुड रहा कि कहीं ना कहीं, तो नॉन एक्सक्लूजनरी खत्म हो गया ना, अब एक्सक्लूजनरी हो गया, पार्क भर दिया जी सब लोगों ने, 10,000 लोग आ गए उसमें, तो 10,000 एकवां बंदे की जगह ही नहीं है, तो एक्सक्लूजनरी हो जाता है। तो इसीलिए ये पब्लिक गुड है लेकिन प्योर पब्लिक गुड नहीं है। तो प्योर पब्लिक गुड क्या होते हैं, ये दुनिया में बहुत ही कम बचे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल डिफेंस, अगर देखो जो बॉर्डर पर बैठे हैं हमारे जो सोल्जर्स, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो मेरी रक्षा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी रक्षा कम हो जाएगी, है ना, बॉर्डर पे बैठ के अगर वो डिफेंड कर रहे हैं कंट्री को तो मुझे अगर उससे प्रोटेक्शन मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोटेक्शन कम हो गई, आपको भी मिल रही है। ठीक है, मेरे जितने मर्जी देश में लोग भरते रहो, बॉर्डर अगर प्रोटेक्ट अगर एक के लिए हो रहा है तो 100 के लिए भी उतना ही हो रहा है, 1,00,000 के लिए भी उतना ही हो रहा है, 1,00,00,000 के लिए भी उतना ही हो रहा है। तो वो काफी प्योर पब्लिक गुड नजर आता है। तो प्योर पब्लिक गुड तो बहुत ही कम रह गए हैं, तो जैसे डिफेंस एक चीज ऐसी है, और जैसे जनरली टेक्नोलॉजी की मदद से भी ना नॉन एक्सक्लूजनरी पब्लिक गुड्स बनाए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल YouTube अगर एक इंसान देख रहा है और लेट्स से अगर 1,00,00,000 इंसान देख रहे हैं, सर्वर्स इतने अच्छे बने हुए हैं आजकल कि इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली कोई नॉन एक्सक्लूजनरी है, बट एट द सेम टाइम ध्यान रखना कि बसेस, रेलवेज, इनको पब्लिक गुड माना जाता है लेकिन ये प्योर पब्लिक गुड नहीं है। एक लिमिट है ना, रेलवे के बाद रेलवे बोल देती है कि भाई हमारे टिकट्स फुल हो गई हैं, सॉरी अब आप नहीं आ सकते, एक लिमिट के बाद जितनी वो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बाद वो पब्लिक गुड नहीं रहते, कि एक्सक्लूजन शुरू हो जाती है, लोग बाहर रहना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पब्लिक गुड एंड प्योर पब्लिक गुड में फर्क दिमाग में रखना, पेपर में पूछ सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन ओरिएंटेड ये एक सवाल था। ओके चलो, अब यहां पे थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ सवालों के यहां जवाब देगा ये इको सर्वे हमें। तो अब यहाँ पे ये इसी सवालों को जो चाहता है डिस्कस करना कि इतना पुअर क्यों है, कि यहाँ पे जैसे सवाल पूछते हैं कि व्हाई इज देयर ओन रेवेन्यू कलेक्शन स्पेशली फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस सो पुअर, जो हमारी लोकल बॉडीज हैं वो इतना कम पैसा क्यों कमा पाती हैं, एंड कहते हैं मोर सो डायरेक्ट टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्सेस से क्यों नहीं पैसा कमा पाती। तो यहाँ पे इसका आंसर ढूंढने की ट्राई करता है, वो बोलता है प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये प्रिंसिपल सोर्स है डायरेक्ट टैक्स का, जो सबसे नीचे वाली जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट, और कहते हैं इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स भी चार्ज कर सकती हैं, लेकिन वो यहाँ पे बीच में क्या बोलते हैं
कहते स्टेट्स ने पावर ही डिवॉल्व नहीं करी, स्टेट्स ने इतनी पावर ही नहीं दी है लोकल लेवल बॉडीज को कि वो ऐसा कर पाए। और कहते बाकी इस पे रिसर्च के लिए इसने ओपन छोड़ा हुआ है कि विद टाइम देखना आगे वाले इको सर्विस में ये चैप्टर और एनालाइज होगा, अभी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे हाउस टैक्स की बात करेंगे अभी, तो ये बोलते हैं कि हाउस टैक्स की बात करें तो कहते रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं ठीक ठाक पावर है इनके पास टैक्स लगाने की, लेकिन तब भी बहुत ही कम टैक्स लगाती हैं ये, और तब भी बहुत ही कम ये टैक्स जो कलेक्ट कर पाती हैं। तो अब आगे यहाँ पर लैंड टैक्स की बात करते हुए बोलते हैं कि कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहते हैं कि देखें कि क्या स्टेट और जो पंचायत हैं सिर्फ यही जो अच्छे तरह से काम नहीं कर रही हैं, या सेंटर भी ऐसा कुछ करता है। कहते हैं लेकिन सेंटर के पास तो लैंड होती नहीं, सेंटर क्योंकि हर एक लैंड कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट में लाई कर रही होगी ना, तो कहते नहीं, कहते लेकिन कुछ पीस ऑफ लैंड हमारे देश में हैं जो सेंटर के पास हैं। कहाँ पर? यूटीज, जो यूटीज हैं वो यूनियन की टेरिटरीज है ना, वो सेंटर के पास है उनकी पावर लैंड टैक्स कलेक्ट करने की। अदरवाइज जो लैंड वाला टैक्स है किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। तो स्टेट अकॉर्डिंगली पंचायत को बोल सकती है या फिर लोकल बॉडीज को बोल सकती है कि आप कलेक्ट कर लो, लेकिन किसके पास पावर है? जो स्टेट के पास। तो कह रहे हैं कि अगर हमने सेंटर, मान लो सेंटर के पास पावर होती, क्या सेंटर अच्छा काम कर रहा होता? कहता कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। यूटीज जो होती हैं, यूटीज सेंटर के पास ही होती हैं, सेंटर की जमीन है वो। तो कहते अगर दिल्ली जो कि जिसका जो दिल्ली और जो पांडिचेरी है पुडुचेरी, उनके पास अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना अपना लैंड टैक्स कलेक्ट करती, उनको छोड़ देते हैं। उसके अलावा भी कहते हैं हमारे पास बहुत सारी और यूटीज हैं, पांच और बची, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। कहते हैं ये वाली जो जमीनें हैं ये तो सेंटर की जमीन है, यहां पर जो भी लैंड टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा सेंटर करेगा। कहते हैं यहां जाके देखते हैं कि सेंटर ने कितना अच्छा काम किया है, उसे आइडिया मिलेगा। कहते हैं चंडीगढ़ के पास कहते हैं इतनी सारी जमीन है, उस पर टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। और कहते हैं कितना टैक्स कलेक्ट किया उन्होंने कि नो लैंड टैक्स रियलाइजेशन, कहते चंडीगढ़ ने इस पे लैंड टैक्स कलेक्ट नहीं किया। दादर नगर हवेली जिसके पास बोलते हैं इतने हजार हेक्टेयर हैं, सिर्फ 19 लाख रुपए कलेक्ट किए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बोलते हैं कि इसका मतलब सेंटर ने भी उतना ही हल्का काम किया है जितना कि स्टेट्स ने किया है लैंड टैक्स कलेक्ट करने का, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। ना तो कहते सेंटर ने, ना तो पंचायत ने किया, सेंटर के पास कुछ जमीनें हैं सेंटर ने भी नहीं किया। इसका मतलब लैंड टैक्स का तो पोटेंशियल बहुत बुरी तरह अंडर यूटिलाइज्ड है, किसी ने किया ही नहीं। अब चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करेगा इसी के साथ कि क्या लो इक्विलिब्रियम ट्रैप आ गया। अब लो इक्विलिब्रियम ट्रैप ये बिल्कुल अंत में जाके चैप्टर के लास्ट में समझाता है, ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ टाइप में कि हो क्या रहा है। वो कह रहा है कि स्टेटस क्वो जो चल रहा है उससे सभी खुश हैं, कि कहते सिटीजन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, सिटीजन भी प्रोटेस्ट करते हैं, और कहते प्रोटेस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उससे क्या होगा, वोट्स नहीं मिलेंगे एक्सेट्रा, यहां लिखता नहीं ऐसा वो तो, लेकिन हो क्या रहा है कि टैक्स ना तो ये लगाना चाहते हैं जो, और जो लोग ये है पावर में अथॉरिटीज, एंड कहते अगर लगा हुआ है तो उसको ना ही कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कलेक्ट करेंगे फिर से सिटीजन के साथ ये थोड़ा सा गुस्सा, सिटीजन जो गुस्सा हो सकते हैं। तो हम क्या हो रहा है, स्टेटस क्वो से कह रहे हैं बहुत खुश हैं, जो चल रहा है वो चलते रहने दो। आगे एक बार रीड करते हैं, तो कहते हैं कि स्टेटस क्वो क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम बन गया है, इक्विलिब्रियम में जहां पे सभी एक्टर्स हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। और कहते हैं और ना तो कहते उन्होंने अपने डेवोल्यूशन की पावर को जो जाने दिया, कि ऐसा भी नहीं किया कि अपनी पावर को छोड़ दिया हो और नीचे वाले जो टीयर्स को दे दिया हो, सेंटर ने स्टेट को दे दिया हो, स्टेट ने पंचायत को, कहते ना तो उन्होंने ऐसा किया, और ना ही कहते उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया, और अगर या भी तो नीचे वालों को उन्होंने इन्फ्लुएंस ही नहीं किया कि आप जाके टैक्स कलेक्ट करो, और उन्होंने जाके बोला ही नहीं कि आप जाओ और जाके लोगों से लैंड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट करो। एंड कहते जो नीचे वाले थे, जो नीचे वाली जो टीयर थी, सेंटर के लिए नीचे स्टेट है, स्टेट के लिए नीचे पंचायत है, एंड कहते उन्होंने क्या किया, दे आर अनएबल एंड अनविलिंग, ना तो वो कहते ना तो उनके पास एबिलिटी है ना ही उनके पास विल पावर है, अनविलिंग, कि ये टैक्स चाहते ही नहीं अपने सिटीजन को करना। क्यों? और कहते इसलिए क्योंकि आउटसाइड रिसोर्सेज पे रिलायंस चल रही है उन पे, आउटसाइड रिसोर्सेज पे कोई सिटीजन पूछता ना कुछ करता, तो अकॉर्डिंगली आउटसाइड रिसोर्सेज पर ये रिलाई करते हैं ये, एंड अकॉर्डिंगली इनका काम चले जा रहा है। और इसी चीज को बोलता है लो इक्विलिब्रियम ट्रैप है ये, यहां पर लिखेगा वो, सॉरी ये तो यहां पे नीचे लिखेगा ये कि लोकल
गवर्नमेंट्स कुड रिमेन स्टक इन अ लो इक्विलिब्रियम ट्रैप. कि लो इक्विलिब्रियम ट्रैप कैसे, इसको पैराग्राफ पूरा रीड करते हैं, बात समझ आएगी. कि दैट इज फिस्कल मॉडल ऑफ द स्टेट्स एंड थर्ड टियर इंस्टीट्यूशन कुड फॉर एवर बी बेस्ड ऑन आउटसाइड रिसोर्सेज. कि बस बाहर से पैसा आता रहेगा, सेंटर को फॉरन एड वगैरह से पैसा आता रहेगा, एंड जो FDI वगैरह आती रहेगी कुछ भी आता रहेगा, एंड सेंटर आगे डिवॉल्व करता रहेगा वो जो स्टेट्स को, स्टेट्स पे आगे डिवॉल्व करती रहेंगी पंचायत को. टैक्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, काम चल रहा है चलाते रहो, इक्विलिब्रियम चल रहा है चलता रहेगा. लेकिन कह रहे हैं इट्स अ ट्रैप, फंस जाओगे आप. सिटीजंस जो है आपको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कभी इंप्रूव नहीं करोगे, इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो पाएंगे जैसा एडवांस्ड कंट्रीज में हो गए हैं. ठीक है, और वही कह रहे हैं फॉरन एड नेचुरल रिसोर्स वगैरह से आप पैसे कमाते रहोगे, और अकॉर्डिंगली इससे होगा क्या, वीक अकाउंटेबिलिटी एंड वीक ओन रिसोर्स जनरेशन कैपेसिटी. कभी खुद के रिसोर्स जनरेट कर ही नहीं पाओगे, हमेशा डिपेंडेंसी आ रहेगी. तो यही बात को कह के अपने आखिरी पैराग्राफ में भी तो यही बोलते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा डायलॉग फिर से मारता है. ये लिखा हुआ है की कस्टोडिए इप्सोस कस्टोड्स, मतलब सिंपल सा मतलब है कि कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह तो कलेक्ट करने नहीं आपने, और उसके बाद कहते हैं कि और कहता है आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है, है ना. आप तो एक तो कलेक्ट नहीं करते, ऊपर से कोई बोलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे डायलॉग क्या बनता है, हु विल गार्ड द गार्डियंस देमसेल्व. कि जो जो हमारे रक्षक हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, या फिर जो इन पर नजर बनाने की जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर पूरी करेंगे तो हमको कौन बोलने वाला है, कोई नहीं बोलेगा ना हमें एज अ सिटीजन अगर हम सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे. कहते आप सरकार में इन्वॉल्व ही नहीं हो. तो यहाँ पे देखो कि कहते अंत में कंक्लूड करता है ये कि कहते given the quality of public service delivery, जैसे जिस तरह से कहता आपको जो public service delivery मिल रही है, और आपको तो क्या लगता है भाई, जो मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, ट्रिब्यूट कि रखो आप, ठीक है, और मेरी तरफ से आपको मैंने चढ़ावा चढ़ा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे. जैसे जनरली होता है ना, जैसे आप जाते हो दान पात्र में दान कराते हो मंदिर गुरुद्वारे जहां भी जाके, आप ट्रिब्यूट दे देते हो कि बस मुझे तो कुछ खास चाहिए नहीं आपसे, ये तो मेरे को देना था मैंने दे दिया आपको, ट्रिब्यूट की तरह कहते लोग देखते हैं. जैसे यहां पे लिखते हैं कि कहते हैं इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मिडिल क्लास ने एग्जिट कर दिया है और कहां चले गए हैं वो, प्राइवेटली प्रोवाइडेड सर्विसेज. जैसे सेफ्टी के लिए घर के बाहर लोगों के अब सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी पर उनको विश्वास नहीं है. सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सब कुछ सब चीजों के लिए मिडिल क्लास ने तो सरकारी फैसिलिटी से एग्जिट करके अपना ही कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना शुरू कर दिया है. प्राइवेट बॉडीज पे अब वो रिलाई करते हैं, एंड कहते हैं बस सरकार को ट्रिब्यूट के जैसे एक वो टैक्स पे करते रहते हैं, एंड ना तो सरकार से उनको कुछ चाहिए ना ही सरकार से कुछ वो उम्मीद करते हैं. और इसीलिए कहते हैं हम किस एक ट्रैप में फंस गए हैं, सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल कौन सी है, कि इनएडिक्वेट डिलीवरी, कि डिलीवरी लो है उसके कारण जो डायरेक्ट टैक्सेस भी लो हो जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लो हैं तो अकाउंटेबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो तो डिलीवरी फिर से इनएडिक्वेट. तो कहते हैं इट्स अ ट्रैप, ये ट्रैप में इंडिया फंस गया. तो डायरेक्ट टैक्सेस जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक आप ये ट्रैप से बाहर नहीं आने वाले. तो बस ये हमारे चैप्टर की थीम थी, और ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये एक पूरे इको सर्वे में बहुत ही ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड चैप्टर था. अगर आपने पढ़ लिया सुन लिया पूरा तो बहुत बहुत बधाई आपको. एंड दोस्तों ठीक है, बाकी सब चीज़ों पर भी ध्यान देते रहो, टेस्ट्स करते रहो और रिवाइज करते रहो, यही एक हमारी चीज़ है. बहुत रैपिडली चीज़ों को करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. चलो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्द. थैंक्स अ लॉट.